धनुर्क्रमीण जगज्जय धर्मव्रति कर्मपथि रश्मिरथि महारथि ओ महारथि कर्ण दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि शकुनी दुर्योधन को शीघ्र ही राजगति दिलवाने का आश्वासन देता है दुर्योधन कृष्ण और विदुर के सामने लाक्षगृह दुर्घटना से दुखी होने का ढोंग करता है इंद्र अपने गण अलग को आदेश देते हैं कि वो अपनी माया द्वारा परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण न होने की सत्यता से अवगत कराएं। परशुराम कर्ण को उसकी अंतिम चरण की शिक्षा देते हैं अब आगे गुरुदेव मैं आपके विश्राम की व्यवस्था करता हूं ठीक है आइए गुरुदेव
कौन? कौन? कौन हो तुम? तुम्हारा मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तुम्हारे जांग से खून की धारा बह रही थी और तुम शांत बैठे रहे, तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये कीड़ा तुम्हें काटता रहा और तुम धैर्य की प्रतिमूर्ति बने रहे। एक ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं हो सकता। कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय दो। कौन? तुम परशुराम की क्रोध से भलीभांति परिचित हो। मैंने 21 बार इस संपूर्ण धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। इसके पूर्व कि मेरा क्रोध धैर्य की सीमा को लांघ जाए, इसके पूर्व कि मेरा ये परशु पुनः विध्वंसकारी हो जाए। कौन हो तुम? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ब्राह्मण के रूप में अपना मिथ्या परिचय देने वाले छली युवक, सच्चाई क्या है तुम्हारी? शपथ है मुझे कैलाशपति महादेव की, मेरे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। कदापि नहीं, कदापि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। नहीं गुरुदेव, नहीं। मैंने अपना असत्य परिचय नहीं दिया है। आप ही ने कहा था कि मैं साक्षात तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र लग रहा हूं। मैंने आपके इस अनुमान का विरोध नहीं किया, यही मेरा दोष है। परंतु गुरुदेव, मैंने कदापि छल नहीं किया है। असत्य वचन मत बोलो कर्ण। तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता ही क्या थी? आपका शिष्य बनने की कामना ने मुझे अपना परिचय देने से मना कर दिया था गुरुदेव। आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। मुझसे धनुर्विद्या सीखने आए थे तो आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ। जिस धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुमने असत्य का सहारा लिया, वही धनुर्विद्या तुम अंतिम समय में भूल जाओगे। मेरे द्वारा सिखाई गई समस्त विद्या संकट पड़ने पर तुम्हारा साथ नहीं देगी। आपका आशीष स्वीकार है गुरुदेव। तुम्हारे इस अपराध का दंड तो इससे भी अधिक कठोर होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में गुरु के साथ छल करने जैसा बड़ा अपराध कोई नहीं होता। अब तुम मेरे आश्रम में रहने के अधिकारी नहीं हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। अर्थात हमारी योजना सफल हो ही गई अलर्क। परशुराम को इस सत्य का पता चल ही गया कि कर्ण ब्राह्मण वंशी नहीं है, और क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप भी दे दिया। हाँ देवेंद्र, परशुराम ने कर्ण से कहा कि जितनी भी शिक्षा उसने प्राप्त की है उसका उपयोग वो कभी नहीं कर पाएगा, आवश्यकता पड़ने पर वो उसे भूल जाएगा। अर्थात अब कर्ण अर्जुन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मेरी दिव्य विद्याओं को भूल जाओगे। कर्ण, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैंने जो शाप दिया है तुम्हें उचित ही दिया है। शिष्य परशुराम प्रकट हो, शिष्य परशुराम प्रकट हो, शिष्य परशुराम प्रकट हो। गुरुदेव शिवशंकर। प्रणाम गुरुदेव, आपने मुझे पुकारा। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है गुरुदेव? क्या मैं आपके रोष का कारण जान सकता हूं? तुम जैसे न्यायवान तेजस्वी शिष्य से हमें ऐसी आशा नहीं थी परशुराम। तुमने अपने परम प्रिय योग्य शिष्य कर्ण को शाप देने से पहले तनिक भी न्याय अन्याय का विचार नहीं किया। अपनी रोष की ज्वाला में उसकी सारी शिक्षा और साधना को शाप से भस्मीभूत कर दिया। मेरा शिष्य बनने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया था गुरुदेव। क्या असत्य द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा सफल हो सकती थी? हमने तुम्हें अपना शिष्य इसलिए नहीं बनाया था कि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था।
ये तुम भली भांति जानते हो। तुम्हारी तपस्या एवं साधना के कारण ही तुम हमारा वरदान प्राप्त करने में सफल रहे। मैं आपकी कृपा का चिरऋणी रहूंगा महादेव। जात पात का हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। समस्त मनुष्य जाति हमारी दृष्टि में समान है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से साधना एवं तपस्या करता है वो सफलता का अधिकारी हो जाता है। तुमने शाप देकर कर्ण के प्रति घोर अन्याय किया है परशुराम, और इस अन्याय का तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं गुरुदेव। शाप देने के पश्चात मैं भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। प्रायश्चित का आदेश देकर आपने उचित ही किया। आप आज्ञा दें गुरुदेव, मैं क्या प्रायश्चित करूं? जिस प्रकार तुमने परशु का वरदान प्राप्त करने से पहले तपस्या की थी उसी प्रकार एकांत में जाकर तपस्या करो, और तब तक करते रहो जब तक तुम्हारे पश्चाताप की ज्वाला शांत ना हो जाए। जो आ गया गुरुदेव। षड्यंत्र! किस षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं देवर्षि? वही षड्यंत्र जो देवराज इंद्र रच रहे हैं। परशुराम के शाप ने तो कर्ण का भविष्य ही अंधकार में कर दिया। देवर्षि, कर्ण का संपूर्ण जीवन ही दुविधाओं और संकटों से भरा हुआ है, परंतु इस सत्य पर हमें पूर्ण विश्वास है कि संकट चाहे कितना भी सघन क्यों ना हो, कर्ण के मार्ग को रोक नहीं सकता। कर्ण के आत्मबल को तनिक भी टिका नहीं सकता, क्योंकि कर्ण संकट पर विजय पाना भली भांति जानता है। देवर्षि, भली भांति। नारायण नारायण! महर्षि ने तो कर्ण के विषय में अपनी भविष्यवाणी ही कर दी। संभवतः ये सत्य ही हो। नारायण नारायण! आ गए पुत्र, तुम जाकर स्नान कराओ, तब तक मैं तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करती हूँ। हाँ माताश्री, बहुत भूख लगी है। चलिए भ्राताश्री, शीघ्र चलिए। चलिए चलिए। नकुल, तुम यहीं रुककर माताश्री का हाथ बटाओ। जी भ्राताश्री। कितना मोहक दृश्य है। हाँ अर्जुन, गंगा जल में स्नान करने से तन ही नहीं मन की भी शुद्धि हो जाती है। तो फिर विलंब क्यों भ्राताश्री, चलो शीघ्र चलकर डुबकी लगाते हैं। चलो। ठहरो! आप लोग यहां स्नान नहीं कर सकते। कौन है आप? मैं यक्ष हूं, मेरा नाम अग्निपर्ण है, ये मेरा घाट है। गंगा घाट और आपका? ये तो प्राकृतिक संपदा है, इस पर आपका अधिकार कैसे हुआ? मैं आपका अर्थ नहीं समझा। अर्थ समझने की आवश्यकता भी नहीं है, चले जाओ यहां से, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा तुम नहीं। यदि ऐसी बात है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ भ्राताश्री, अब तो हम यहीं इसी घाट पर स्नान करेंगे, और मैं तुम्हें धनुर्युद्ध के लिए ललकारता हूं। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बताओ किस प्रकार युद्ध करना चाहते हो? मैं धनुर्धर हूं और तुम्हें धनुर्युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तो ठीक है, सावधान यक्ष। Thank you.
तो इस घाट पर तुम्हारा अधिकार है ना? हाँ है, और रहेगा भी। तो ठीक है, हम तुम्हारा एकाधिकार अभी समाप्त किए देते हैं, तुम्हें इस गंगा की धारा में अभी फेंक देते हैं। ठहरिए। नहीं नहीं ब्राह्मण कुमार, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। आप कौन है जो इस अभिमानी के लिए इस तरह प्रार्थना कर रही है? मैं इनकी पत्नी हूँ, इन्हें जीवन दान दे दीजिए। सहदेव, इनके बंधन खोल दो। जो आज्ञा भ्राता श्री। मैं आपकी आभारी हूँ ब्राह्मण कुमार, और आजन्म आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है ब्राह्मण कुमार, मैं आजन आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद देता हूं। आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी दृष्टि दौड़ाकर किसी भी स्थान का दृश्य देख सकते हैं। अब आप सभी इस तट पर जब चाहे स्नान कर सकते हैं। अब इस तट पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। कहता है इतिहास, दूजा कर्ण नहीं मेरे पास। कहता है इतिहास, दूजा कर्ण नहीं मेरे पास। महामना महाबली, धनुर्प्रवीण जगत जयी, धर्मव्रति कर्मपति, रश्मि रति महारथी। ओ, 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 ओ महारथी कर्ण। एक बाहु स्वावलंब, दूजा स्वाभिमान है। महारथी कर्ण तो महानों से महान है। महारथी कर्ण तो महानों से महान है। महारथी 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 कर्ण, महारथी 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 कर्ण।